हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कबूतर को माँ लक्ष्मी का भक्त माना जाता है, जिसे देखते हुए कई लोग कबूतर का घर में आना शुभ मानते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कबूतर का घर में आना या कबूतर का घर में घोंसला बनाना, इसका क्या मतलब है। कबूतरों को दाना खिलाना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर ये पक्षी घर में घोंसला बना ले तो परेशानी भी काफ़ी होती है। कबूतर अक्सर घर की बालकनी में या बाहर की तरफ किसी कोने में अपना घोंसला बना लेते हैं। इनकी बीट से घर तो गंदा होता ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा परेशानी करती है इस पक्षी से जुड़ी मान्यताएँ। लोग ऐसा मानते हैं कि कबूतर का घर में घोंसला बनाना अच्छा नहीं होता है, और कुछ लोगों का मानना है कि कबूतर को माँ लक्ष्मी का भक्त माना जाता है, जिसे देखते हुए कई लोग कबूतर का घर में आना शुभ मानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर कबूतर घर में घोंसला बना ले तो इससे परिवार में सुख समृद्धि आने लगती है। हालांकि कुछ का मानना है कि कबूतरों का आना अशुभ संकेत है, इससे घर परिवार की प्रगति रुक जाती है। ऐसे में अगर घर के पास कबूतर अपना घर बना ले, घोंसला बना ले, तो उसे तुरंत हटा दें, नहीं तो परेशानियां आने लगेगी। कहते हैं कि कबूतरों को दाना खिलाना पुण्य का काम है। हमारे शास्त्रों में कबूतर को शांति का प्रतीक माना गया है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कबूतरों को दाना खिलाने के लिए कभी भी अपनी छत का इस्तेमाल ना करें। ऐसा कहा जाता है कि घर की छत पर कबूतरों को दाना न डालकर आंगन में डालना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार ऐसा करने से बुध और राहु ठीक होते हैं। कबूतरों को दाना खिलाने से कई बीमारियों से मुक्ति मिलती है। ऐसे घर में माता लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है, परिवार में कलह की स्थिति नहीं रहती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति खराब है तो कबूतरों को दाना जरूर खिलाएं। माना जाता है कि अगर कुंडली में बृहस्पति कमजोर है तो किसी कबूतर को पिंजरे से आज़ाद करने से लाभ मिलता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कबूतर का या किसी भी पक्षी का घर में आकर घोंसला बनाना क्या संकेत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ये आपका अपना चैनल है, और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने घर के पास बने चिड़िया के घोंसले को हटा देते हैं, क्योंकि ऐसा मानना जाता है कि लोगों का ऐसा मानना है कि इसका घर के पास होना अच्छा नहीं होता। मगर क्या सच में ऐसा होता है? अक्सर घरों में या गांव में या सोसाइटी में कबूतर घर में या किसी भी कोने में अपना घोंसला बना लेते हैं, तो लोग उसे हटा देते हैं क्योंकि कुछ लोग इसको ठीक नहीं मानते हैं, कहते हैं कि इसका घर के पास होना अच्छा नहीं होता। मगर क्या ये सच है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि वास्तु शास्त्र में तो ये कहा गया है कि चिड़िया का घोंसला बनाने से जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि घोंसला, चिड़िया का घोंसला उजाड़ें, क्योंकि इनके आने का मतलब होता है कि जीवन में सौभाग्य बढ़ने वाला है। इसके अलावा गौरैया के बारे में कहा जाता है कि खास तौर पर इसे घर में निर्मित, इसका जो घर होता है
इसको 10 प्रकार से, मतलब इसके घर में आने से और इसके घोंसला बनाने से 10 प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं। लगभग सभी लोग जानते हैं कि सनातन धर्म के तमाम देवी देवताओं के जो वाहन पक्षी हैं, जैसे भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर है, माता सरस्वती का वाहन हंस है, विष्णु भगवान जी का गरुड़ और शनिदेव का वाहन कौवा, माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू। यही कारण है कि पूजा स्थान में देवी देवताओं के साथ साथ इन्हें भी स्थान प्राप्त है। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार अगर आप इन देवी देवताओं की पूजा करते हैं और इनके साथ साथ इनके वाहन का भी स्वागत करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, तो करना भी चाहिए। अगर आप किसी भी देवी देवता का पूजा कर किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो उनके वाहन की भी पूजा जरूर करनी पड़ती है, उनके वाहन का स्वागत करना पड़ता है, क्योंकि ये अपने साथ सौभाग्य का संकेत लेकर आते हैं। जो इनका निरादर करते हैं उनके जीवन में सुख समृद्धि, उनके जीवन से सुख समृद्धि जाने लगती है। कई बार देखा जाता है कि अक्सर घर में गौरैया या फिर कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कबूतरों को देवी लक्ष्मी का भक्त माना जाता है। जिस घर में ये निवास करते हैं उस घर में सुख शांति और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। कभी भी इनका बसा बसाया घोंसला उजाड़ना नहीं चाहिए, हटाना नहीं चाहिए। वास्तुशास्त्रियों की माने तो गौरैया का घोंसला बनाना अत्यंत शुभ होता है, इससे कई तरह के वास्तु दोष भी दूर होते हैं। अगर आपके घर में भी गौरैया ने घोंसला बनाया है तो समझ लीजिए कि बहुत ही शुभ है, यानी कि ऐसा माना जाता है कि गौरैया का घोंसला घर के पूर्व भाग में बनता है तो हमारा मान सम्मान बढ़ता है, और अग्नि कोण पर घोंसला होने से पुत्र का विवाह शीघ्र होता है। दक्षिण दिशा में ये घोंसला होने से धन की प्राप्ति होती है। दक्षिण पश्चिम कोण का घोंसला परिवार में रहने वालों की आयु लंबी होती है, परिवार वालों को दीर्घायु देता है। और पश्चिम भाग में अगर गौरैया का घोंसला है तो देवी लक्ष्मी की कृपा होती है। उत्तर पश्चिम कोण पर गौरैया का घोंसला बनने से सुख देने वाला माना जाता है। इसी तरह अगर उत्तर दिशा और ईशान कोण का घोंसला बनता है तो सुख सुविधाएं प्रदान करता है। इसके अलावा इस बात पर ध्यान जरूर दीजिएगा कि ये घोंसले घर के खुले हिस्से में होने चाहिए। इसी तरह से कबूतरों का घर में घोंसला बनाना कुछ लोगों के लिए परेशानी की वजह बन जाता है। कबूतरों को दाना खिलाना हर किसी को बहुत अच्छा लगता है। हम में से ज़्यादातर लोग सुबह सुबह कबूतरों को दाना भी खिलाते हैं, लेकिन अगर ये कबूतर घर में घोंसला बना ले तो लोगों को परेशानी होने लगती है। कबूतर अक्सर घर की बालकनी में या बाहर की तरफ किसी कोने में अपना घोंसला बना लेते हैं। हालांकि इनकी बीट से घर बहुत गंदा होता है और यही वजह है कि लोग अपने घरों में कबूतरों को घोंसला बनाने नहीं देते या भगा देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर कबूतर घर में ही घोंसला बना ले तो इससे घर परिवार में सुख समृद्धि आने लगती है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि कबूतरों का घर में आना अच्छा नहीं होता है, इससे घर परिवार की जो तरक्की है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। ऐसे में अगर घर की बालकनी, छत के पास या अन्य जगहों पर कबूतर अपना घर बना लें तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए, वरना परेशानियां आने लगती हैं। हालांकि पक्षियों को दाना खिलाना शुभ काम होता है, पुण्य का काम माना जाता है, और यदि पक्षियों को दाना आप भी खिलाते हैं तो कई तरह के ग्रह दोष खत्म करता है, और कबूतरों को दाना खिलाने से कई तरह की बीमारियों से मुक्ति मिलती है। ऐसे घरों पर जहां कबूतर घोंसला बना लेते हैं तो कुछ लोगों का मानना है कि माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और परिवार में कलह की स्थिति नहीं रहती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति खराब हो तो भी कबूतरों को दाना जरूर खिलाना चाहिए। माना जाता है
कि अगर कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर है तो किसी कबूतर को पिंजरे से आजाद करने से लाभ मिलता है। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आज हमने जाना कि घर में कबूतर या गौरैया घोंसला बना ले तो ये इसके क्या संकेत हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो वीडियो पसंद आने पर दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।